चिराग भी डूब रहा है, अब क्या करें मेहर? हाँ मानव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाने का रास्ता भी बंद है और हमारी आवाज बालवीर तक पहुंच नहीं रही है, करे तो क्या करे? बालवीर, बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? बचाओ मैं! मेहर, ये पानी तो बहुत ही करीब आ गया, अबे चिराग में भरने ही वाला है। हाँ बालवीर, बालवीर हमें निकालो। अरे ये ढक्कन खुल क्यों नहीं रहा है? क्या हो रहा है, ये ढक्कन खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है इस ढक्कन के सामने कोई दीवार है जो इस ढक्कन को खोलने से रोक रही है। मैं क्या करूं, इस ढक्कन को खोलू कैसे? यहां से बाहर तो निकलना ही होगा, लेकिन कैसे निकलूं? अगर मैं इस चिराग को दाई तरफ घुमा दूं, ये ढक्कन यहाँ आ जाएगा, फिर मैं इस ढक्कन को खोलकर यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। अरे ये मानव मेहर का चिराग कहाँ है? मानव मेहर का चिराग कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो तो यहीं पर था। मानो मेहर, अरे तो मानो मेहर का चिराग है, ये पानी में कैसे गिरी है? मुझे इन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा, नहीं वो पानी में डूब जाएंगे। जल्दी चलो, इससे पहले कि फितूरी यहाँ पर आए हमें निकलना होगा। चलो अरे कितनी हेल्दी है। अरे मानव बेटा जरा सीढ़ी पकड़ ले। ठीक है दादाजी। ओहो, हम तो भूल ही गए कि हमारे छूने से दादाजी को बिजली का झटका लग सकता है। क्षमा करना दादाजी। आओ मेरी कमर। बापूजी, क्या मानव देख क्या रहे, उठा ना। नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा मतलब? अरे चल मेरी मदद करते। अब क्या करूं, कैसे समझाऊं मम्मी को कि मैंने दादाजी को छुआ तो उन्हें करंट लग जाएगा। मानव सोच क्या रहा है, चल ना बेटा। ठीक है। बापूजी, ये मुझे करंट कैसे लगा?
अरे मुझे तो दूसरी बार करंट लगा। हाँ? ये बल्ब भी दूसरी बार जला और वो भी बिना लाइट के कनेक्शन के। दादाजी मुझे लगता है कि योगा कर करके आपके शरीर में बिजली दौड़ने लगी है और इसलिए आपके छूते ये बल्ब अपने आप चालू हो गया है ना। वाह बापूजी आप तो इलेक्ट्रिक मैन बन गए। अरे वाह अब तो हमें बिजली का बिल भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महेश ये सुनकर कितना खुश हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन टीवी फ्रिज सब कुछ ऐसे ही चालू हो जाएगा, बस सिर्फ प्लग आपके हाथों में देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं मैं तो सारे शहर को बिजली दूंगा, फिर फेमस हो जाऊंगा, टीवी वाले मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे और मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और बहुत सारी कार। और दादाजी वो कार पेट्रोल से नहीं आपकी बिजली से चलेगी। हाँ अब देखो ये इलेक्ट्रिक मैन का कमाल। बहू मेरी बिजली की शक्ति चली गई, साथ में अमीर होने का सपना भी और कार भी। नो दादाजी फिर तो मुझे भी पापा की तरह नौकरी करनी पड़ेगी और नौकरी करने के लिए मुझे पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए मुझे स्कूल जाना होगा है ना। माँ मैं स्कूल जाने की तैयारी करके आता हूँ। हाँ और मैं वॉशिंग मशीन ऑन करके आती हूँ। मानो मैं वो मेरा दोस्त है जुमरू, वो हमें कह रहा है कि हम खिड़की के ऊपर आ जाए, वो हमें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगा। बालवीर ये तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, वो कैसे निकालेगा हमें यहाँ से। मानो मैं बस देखते जाओ। पूरी होने वाली है, अब हमें 15 मिनट के लिए अपने परियों के रूप में आना होगा और एक सुरक्षित स्थान भी ढूंढना होगा ताकि हम वहां छिप सके और कोई हमें परियों के रूप में ना देख पाए। बसका दी परी वो देखिए वो जगह खाली लग रही है, हम वहां चलते हैं। हाँ चलिए। मानो मैं अपने म्यूजियम रूम की तरफ जा रहे, लगता है वो एंटीक लेके जा रहे। चल 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 छीन लेते मोटे गेंदे हाथ की, एक बार गर्दन अकड़ गई अभी अक्कल ठिकाने नहीं आई। मेरे कहने का मतलब है मैं ऐसा नहीं, ऐसा मानो मैं कहेंगे आपको और फिर सर को बुलाएंगे और हमारी पिटाई करवाएंगे। तेरी बात तो सही है, एक काम करते हैं तू अकेले जा मैं यहीं रुकता हूँ, अकेले आके तू छीन ले। हाँ ठीक है। क्या मतलब मैं अकेले जाऊं?
और मेरी पिटाई हो और अब दूर बैठकर मेरा तमाशा देखोगे क्या? हाँ नहीं बस मैं अकेले नहीं जाऊंगा, हम दोनों साथ में जाएंगे। आओ भाई आना लाइन पे चल। मोंटू बॉस, इन पुरानी चीजों की वजह से मैं तो बहुत डर गया हूँ। मोंटू बॉस पहले से ही हमारी बहुत बैंड बच चुकी है, अब हम भागते हैं। ऐसा चलो नहीं, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने एक बार तय किया ना, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। हम यहाँ से नहीं भागे। परी परी, ये मोंटू और रोहित यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये मानव और महर की प्राचीन चीजें चुराने आए हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। विस्तार परी, हम एक काम करते हैं, हम परियों के पुतले बनकर वहाँ खड़े हो जाते हैं और अगर ये कोई गड़बड़ करे तो हम इन्हें सबक भी सिखाएंगे। चलिए रोहित। हाँ तुमने पिद्दियों को तो यहाँ आते हुए देखा था, तो यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गए वो लोग? अरे मोंटू बॉस पीछे के दरवाजे से निकल गए होंगे। वाह ये तो और भी अच्छी बात है, अभी हमें चोरी करने के लिए और आसानी होगी। चल करते हैं। बड़ी मुझे ब्यूटीफुल, क्या सॉलिड एंटीक आइटम है, मैं इसे ही चुराता हूं। जरूर मानव मेहर के होंगे, मैं अभी इन्हें ही लेके जाता हूं, फिर तो एंटीक कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा। चलो मैं, तुम्हें
रस्सी पर लटक कर नीचे उतर जा, जा। पर बालवीर ये रस्सी। मेहर चिंता मत कर, ये जादुई रस्सी है, ये गिरेगी नहीं, जा। पर बालवीर। मेहर जाओ। ठीक है। शुक्रिया जुमरू। मानव जा, अब तुम्हारी बारी। ठीक है बालवीर। मानव कुछ नहीं होगा, जाओ। ठीक नहीं किया है, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे तो 100 साल में आज ही पूरे कर दूंगा बालवीर। रुक जाओ। अच्छा की जय हो, अच्छा की जय हो।